और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से किसानों के समर्थन में रैली निकाली जाएगी। तो किसानों के समर्थन में आज रैली निकाली जाएगी। खलीनी से राजभवन तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रैली करेंगे। ये भी आपको जानकारी दे दें कि सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और दोपहर के समय ये रैली निकाली जाएगी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, रैली यहाँ पर निकाली जाएगी राजभवन में, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कार्यकर्ता, और क्या जानकारी मिल पाई इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज कई मायनों में अहम जो है ये रैली मानी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है ये दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई बहुत बड़ा इनका जनाधार जो है वो यहाँ पर देखा नहीं गया अब तक, लेकिन आज जिस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कि आज सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठे होंगे और खलीरी चौक से लेकर राजभवन तक जो है इस प्रोटेस्ट को जो है यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। लेकिन राज्यपाल को ज्ञापन जो है वो 12 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है मिलने का राज्यपाल से, और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज इस रैली के जरिए इस जो किसानों के लिए, जो किसानों के हितों की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो सामने आ रही है कि जिस तरह से जो तीन कृषि कानून है उनको, तीन कृषि कानून के विरोध में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रैली निकाल दी जाएगी। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर 12 बजे राज्यपाल को ज्ञापन यहाँ पर सौंपने वाले हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इसी बीच